अच्छा स्टे और हम बहंगे बाहर सो रखे हैं और लाइफ टाइम, समझ रहे हो? यस, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, लाइफ टाइम मेमोरीज ही बन सकती है हमारी एक। सो गाइस हमें यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए। क्या करोगे ऐसे डंडे काट के, यहाँ पहाड़ों में हमारे साथ चलोगे? कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो होगा। कोई है? अरे वाह। तो गाइस मिल गया हमें आज का स्टे। बाबा जी की मिठाई खा लेंगे, मस्त रह लेंगे। यहाँ तो ठंडा भी नहीं हो रहा है। वही तो। सो फाइनली गाइज जल चुकी है भाई आग। सो गाइज हम लोग रुके हुए थे जय नंदा होम स्टे पे और ब्रेकफास्ट भी कर लिया अपन लोगों ने। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो यार आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो फाइनली गाइज अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, जो कि भाई आज का होने वाला है फुरकिया तक का। 16 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। बट अभी का सीन ये कि जो भी लोग ऊपर थे भाई, वो सब लोग नीचे आ रहे हैं आज, तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गाइज यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और ये रही हमारी बाइक। तो भाई एक कमल भाई की, एक हमारी। तो बाय बाय। चलो चलते हैं। ओके ओके, थैंक यू, मिलते हैं। भाई साहब बड़ा खतरनाक रास्ता है। सो गाइस हमारा मित्र ये कल हमारे साथ ही था। देखो भाई ये कह रहा हम तुम्हें छोड़ेंगे पिंडाई तक पूरा। सो गाइस अभी हम लोग 1 किलोमीटर चल चुके हैं और भाई रास्ता ही बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मस्त है। पहले हम लोग थोड़ा हाइट चढ़े थे और उसके बाद अब डाउन डाउन चल रहे, तो अभी बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है। सो गाइस आज की वीडियो का पहला छोटा सा ब्रिज तो क्रॉस करने वाले। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं भाई बिल्कुल नदी के किनारे। तो भाई ये सामने नदी और ब्रिज भी है। तो द्वाली से कफनी ग्लेशियर के लिए भी रास्ता करता है, द्वाली से ही अपने को पिंडारी ग्लेशियर के लिए जाना है। हमने मैप खोल लिया अपना दोबारा से, तो यहाँ से जाना है अपने को। यहाँ से कीचड़ है। सो फाइनली गाइस अब जाके भाई यहाँ पर आगे धूप आ गई है। अभी तक हम लोग पीछे घने जंगल के बीच में थे, अब थोड़ा धूप की किरण हम तक पहुँचने लगी है। यहाँ पर बोर्ड भी लगे हैं, कृपया शांति बनाए रखे, कृपया स्वच्छता बनाए रखे। ट्रैक कर धूम्रपान ना करे, वो तो हम करते नहीं है। जंगल में आग ना लगाए। और भाई क्या लाइन लिखी है, एनर्जी ड्रिंक इलेक्ट्रॉल। मुसाफिर है जनाब, करना पड़ता है। सो गाइस अगर आप लोग आ रहे हो तो ये 5 टिप्स भाई अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर लो, पढ़ लो इनको। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में द्वाली। तो गाइस थोड़ा सा द्वाली लिखा है, ये द्वाली 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 4 लिखा है इसे, जो भी लिखा है। कुछ भी नहीं है भाई द्वाली, मतलब हम सही रास्ते में आ रहे हैं। मैं नहीं है कि सही रास्ते में आ रहे हैं। अब दोबारा से डाउन आ गया है, अब थोड़ा जल्दी चलेंगे अपन लोग। बट ये ट्रैक सबसे इजी मुझे ये लग रहा है यार। सबसे इजी ट्रैक लग रहा है मुझे। सही है ये, तो कोई भी कर सकता है। टोटल चढ़ाई होगी तब दिक्कत आती है। हां तब दिक्कत आती है। अब नीचे ऊपर नीचे है तो बढ़िया है, आगे जाके पता चलेगा। सो गाइस ये वाटरफॉल भाई मस्त है, नहाने का मस्त है। इतनी गर्मी हो रही है, नहाने का मन कर रहा है भाई। वाटरफॉल बड़ा मस्त है। हाँ सामने मैगी पॉइंट के अंकल हमें नजर आ रहे हैं, उनको देख के थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है अपने को। हम लोग झरने के पास पे और ये अंकल का होम स्टे। आप अंकल कैसे हो? मस्त। अकेले हो आप यहाँ? खाती से आते हो यहाँ रोज? तो गाइज अंकल ने बताया कि हम लोग आ चुके हैं 6 किलोमीटर। मस्त खड़ी चढ़ाई आने वाली है और ये भाई खूबसूरत से सीनिक व्यू भी आपको भाई देखने को मिलेंगे इस ट्रैक पे आराम से। सो गाइज हमने निकाल दिया अपना हथियार, अपना हथियार ये। तो भाई इससे हम अपने ट्रैकिंग के लिए भाई एक मस्त सा डंडा बनाएंगे, आराम से गिरना नहीं नीचे। वो भाई बड़ा खतरनाक है यार, ये तो मस्त है यार। ये भाई एकदम कट जा रहा है, तो ये मस्त है गाइज। ये आराम से आराम से आराम से
लो भाई आ चुका है डंडा। अब दो बन जाएंगे हमारे। हाँ दो बन जाएंगे इसमें आराम। पकड़ना है यहाँ पर पार्ट है ये यहाँ पर आएगा। हाँ ये कहाँ पे, ये कहाँ पे काट दो। बड़ा खतरनाक है ये तो भयंकर। बढ़िया चल रहा है। अरे हे गलत कर गया, गलत कर गया। थोड़ा नीचे काटो इसको। हाँ से दब गया ना। कट जाएगा अभी, कट जाएगा यहाँ से काट लेंगे। गाइस ये देखो हमने सिर्फ दो मिनट में ही ये देखो भाई डंडे बना दिए। ये देखो सबसे मस्त कमाल किसका, फ्रांस की क्या बोला आपने, विक्टोरिनॉक्स या स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की भाई, स्विट्जरलैंड की आर्मी यूज करती है इसको भाई। इसकी प्राइस अगर मैं बताऊँ ना तो घर चले जाएंगे इतने में तो है। कितने का भैया बता दो, तुम ही बता दो। ज्यादा नहीं, 9000 का है। 9000 का भाई, तुम लोग बचाओ पैसे। गाइस पैसे बचाओ 9000 रुपए, क्योंकि क्या करोगे ऐसे डंडे काट के, यहाँ पहाड़ों में हमारे साथ चलोगे कोई फायदा नहीं है। आराम से, ठंडा बहुत है, आराम से कंबल के अंदर घुसो, 9000 रुपए बचाओ। और ट्रिप में भी बहुत खर्चा होता है भाई, आराम से पैसा सेव करो, FD बनाओ, क्योंकि हमने तो भाई घूमना है। ठीक है, हम नहीं बचा सकते पैसा। ये अच्छा हो गया, ये मस्त है गाइस। ये आपको ढलान के लिए भी ठीक है। हाँ ढलान के लिए बढ़िया, एकदम मस्त। चढ़ाई के लिए मस्त है, ढलान के लिए भी अच्छा है। तो गाइस जी रास्ते में हमने बिल्कुल अपने लिए एक डंडा बना डाला है बढ़िया, जो कि हमारा साथ देगा इस ट्रैक पे। रास्ते भाई बहुत ही मस्त है यार। डायलॉग सिर्फ मैं ही मार रहा हूँ इधर, ये डायलॉग आपको ना मतलब प्रकृति भी जो यहाँ पर प्रकृति में भाई जो बोर्ड बने हुए हैं वो भी आपके लिए एक बढ़िया बढ़िया लाइन लिखी हुई है हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए। आप लोग भी पढ़ लो भाई, लिखा है अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराओ नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। वाह भाई वाह, क्या लाइन लिखी है। सो गाइस रास्ते में आपको ऐसे धारे देखने को मिलेंगे बढ़िया। और ये देखो भाई कमल भाई लेके आ रखे बाल मिठाई, और बाल मिठाई खाने के बाद पियेंगे पानी मस्त। और अभी 2 किलोमीटर और होगा ग्वाली, ग्वाली में थोड़े रुकेंगे और फिर जाके अनंत काल की चढ़ाई चलेंगे हम। अनंत काल की चढ़ाई फुरकिया तक। फुरकिया तक हम लोग पहुंचने वाले हैं ग्वाली विलेज, वहां पर है। और तो गाइज नदी के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और यहाँ पर एक मस्त लकड़ी का ब्रिज भाई ये देखो। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं द्वाली में और ये यहाँ पर गेस्ट हाउस था, जो कि भाई यहाँ के बंदे आज ही सब नीचे चले गए तो यहाँ पर रुकना तो हो नहीं पाएगा आज, तो वैसे भी हमने यहाँ पर रुकना था आज। ये है भाई द्वाली, द्वाली है और यहीं से गए। जब दो ट्रैक स्टार्ट होते हैं, एक होता है काफनी ग्लेशियर के लिए और एक होता है पिंडारी ग्लेशियर के लिए। जो लेफ्ट वाला है जो हमने मैप में देखा था नीचे, तो वो तो जाएगा भाई अपना पिंडारी के लिए और ये राइट वाला जाएगा काफनी ग्लेशियर के लिए। काफनी ग्लेशियर यहाँ से 7 किलोमीटर है, बट वहाँ पर रुकने की रहने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है ऊपर, और यहीं द्वाली आना पड़ेगा, द्वाली में भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी हमें जाना है फुरकिया। फुरकिया गाइस यहाँ से है अपना, तो गाइस फुरकिया 6 किलोमीटर और आज का स्टे हम करेंगे फुरकिया में, क्योंकि वहाँ पर स्टे है अभी। और इन खूबसूरत नज़ारों से भाई हम लोग आए थे यहाँ पर, और ये है भाई PWD और KMBN का गेस्ट हाउस। यह रास्ता जाता अपना पिंडारी ग्लेशियर के लिए और 4 बजे तक तो हम लोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब जाके बहुत ही खतरनाक चढ़ाई आने वाली है। अब यहाँ पर से भाई 2 रास्ते हैं, कौन से पिंडारी वाला यही होगा, पर नीचे तो कहीं जा नहीं रहा ना। ये ब्रिज क्रॉस करना है क्या अपने, इस ब्रिज? हाँ इस ब्रिज से तो हम आए थे ना, ये वहाँ से रास्ता उधर से आए थे ना, हाँ वाला जो हमें छोड़ दिया है, तो हमें ये ऊपर रास्ते आना पड़ेगा। तो गाइज हम लोग द्वाली बगल में, और द्वाली के बगल में भाई हम खा ले ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए, ड्राई फ्रूट्स इसलिए खाए थे क्योंकि ये चढ़ाई देख रहे हो आप, इस चढ़ाई को हम लोग
पार कर जाएं, क्योंकि ये है अनंत काल की चढ़ाई। क्या बोलते हो? पहले गाइस हमारी राइट साइड में नदी थी, अब पिंडर नदी हमारी लेफ्ट साइड में है। और जो मैप भाई, जो मैप बना रखा ना, उस मैप को आप देख के आओगे तो उस मैप में दिखा रखा कि भाई जब आप चलोगे तो आपके लेफ्ट साइड में अभी नदी होनी चाहिए, ना कि राइट साइड में। तो इसलिए मैप के थ्रू हम भी चल रहे हैं। भाई देख रहे हो वाटरफॉल क्या प्यारा लग रहा है। ओ भाई, तो अभी हम लोग यहाँ पर पानी भरने के रुके हुए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पे। सो गाइस बहुत तेज विंड पड़ रही है, यहाँ पे विंड चल रही है और वो नीचे से हम लोग आ चुके हैं इतने ऊपर। लगता है कि अभी ये अनंत काल की चढ़ाई और है, थोड़ा सा अनंत काल की चढ़ाई। और ये हवा चलना बहुत ठंडी हवा चल रही है, अब सर पर लग रही थी इसलिए टोपी वगैरह पहन ली। ये थोड़ा सा टफ है, दिवाली के बाद थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। तो गाइज हिमालयास पीक के बिल्कुल सामने आ चुके हैं अपन लोग। 2 किलोमीटर और है फुरकिया, और रास्ते भाई बहुत ही खूबसूरत है। अब जाके बड़े मस्त आ गए रास्ते। इससे पहले भाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई, जो अनंत काल की चढ़ाई, अब थोड़ा बिल्कुल बढ़िया सा आ गया है, अब उतनी दिक्कत नहीं होने की। वो तो अच्छा होगी भाई, कमल भाई ड्राई फ्रूट्स और बाल मिठाई लेके आए थे, जिससे भाई यहाँ तक पहुँच गए, वरना अभी तक तो हालत बहुत ख़राब होने वाली थी हमारी। चलो अब रास्ता थोड़ा अच्छा आ गया है, अब बहुत बढ़िया रास्ता गाइज। तो गाइज अगर आप लोगों ने तक इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लीजिए। तो ऐसी भाई आपको पिंडारी ग्लेशियर के साथ मीलम ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा। 500 मीटर और है सामने में, अपने को घर दिखने लग गए हैं, शायद से गोप्रो कैप्चर ना कर पाए। फुरकिया जस्ट हमारे सामने है और वक्त हो गया है, तो गाइज 2:36 हो गए हैं। सो फाइनली गाइज पहुँच चुके हैं हम लोग फुरकिया। फाइनली गाइज 16 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे हाथी गांव से यहाँ तक। और अभी भाई यहाँ पर दुकानें बंद है, सो देखते हैं कोई तो खुला हो भाई। अगर कोई खुला नहीं होगा ना तो अपने को 0 पॉइंट जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर है और वहाँ पर रहते हैं बाबा जी। और वक्त गाइज 3 बज चुका है और यहाँ पर इस होम स्टे में ताला लगा है, इस होटल में, ये वाले में भी ताला लगा है भाई। मुझे लग रहा है सबके सब चले गए यहाँ से, कोई भी नहीं है यार भाई साहब। ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, कोई भी नहीं है यार, कोई नहीं है। अब बर्तन तो रखे इन्होंने, यहाँ पे देखो ये लोगों ने बर्तन रखे, मतलब ऊपर जा रखे हैं गाइज। एक सबूत तो है कि यहाँ बर्तन रखे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो होगा। कोई है? सो गाइज हमें यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए, बट यहाँ पर कोई भी नहीं आ रखा है अभी। तो यहाँ पर बर्तन तो हैं पर समझ नहीं आ रहा कि वो भाई भी क्या पता ऊपर 0 पॉइंट में है बाबा जी के पास, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर है। और अभी टाइम भाई 3 बज चुका है और 8 किलोमीटर कवर करने पर अपने को भाई 7-8 तो बज जाएंगे, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बताओ कमल भाई क्या करें। चलो चलते हैं, एक काम करते हैं हम लोग निकलते हैं ऊपर कोई, और अगर वो भाई होगा तो उसके साथ हम नीचे आ जाएंगे, या तो 0 पॉइंट में बाबा जी के पास रहेंगे, क्योंकि बाबा जी के लिए चिट्ठी तो भेजी रखी है। yes. बाबा जी के मिठाई भेजी है, चिट्ठी भेजी है, तो बाबा जी के साथ ही रह लेंगे आज। अब चाहे हमें वहाँ पहुँचने में 7-8 बज जाए, क्योंकि यहाँ पर तो रहा बहुत ठंडा और यहाँ पर सब कुछ भाई क्लोज है सब कुछ, और कहीं रुक भी नहीं सकते हैं। वहाँ पर एक है रुकने का कुछ, बट रात कैसे जाएगी यहाँ पर। मेन बात ये है, अभी ऐसा ठंडा हो रहा भाई, रात को तो
खतरनाक है। हमारे पास कुछ है भी नहीं, हमारे पास बाबा जी की मिठाई और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, उससे काम चलाना पड़ेगा वरना। तो चल रहे हैं ऊपर कोई, चलो। तो गाइस यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग ऊपर को निकलते हैं यहाँ से 8 किलोमीटर 0 पॉइंट के लिए। भाई सोचा था कि बस यहाँ तक का माइंडसेट बनाया था हमने कि यहाँ पर तक आना है फुरकिया तक, और यहाँ पर सब कुछ क्लोज, द्वाली में भी क्लोज यहाँ भी क्लोज, और बहुत ही गलत टाइम पर हम लोग आ रखे हैं। अगर आप लोग आए तो भाई नीचे पता करके आना। वैसे बता रहे थे कि भाई वो लोग आज हमें बता रहे थे कि उन लोगों ने नीचे आने वाले हैं आज वो, बट सोचो अगर इससे ऊपर भी एक छोटा सा होम स्टे और हुआ तो है? इसके ऊपर भी एक होम स्टे हुआ तो पाइप जा रहा है। हाँ, क्या पता? पाइप तो वहाँ से पानी के लिए आ रहा है ग्लेशियर से, क्या पता? चल के पता चलेगा अब। सो गाइस 50 मीटर चढ़ने के बाद हमने फिर से डिसाइड किया कि बाबा जी तो भाई 4 बजे गुफा के अंदर चले जाते हैं और सुबह 10 बजे ही बाहर आते हैं, तो हम वहाँ जाएँ भी तो भाई फिर तो वहाँ पर 0 पॉइंट में तो ऐसा हो जाएगा कि ना हमारे पास कुछ टेंट ना स्लीपिंग बैग, तो दिक्कत आ सकती है हमें। तो इसलिए हम लोग वापसी कर रहे हैं अपने फुरकिया स्टे जहाँ पर है वहाँ पर के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पर रहने की व्यवस्था हो जाए अपनी। अब तो मुझे भाई जितने कपड़े हैं ना सब पहन के बैठने में, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, ठंडा हो रहा है हैंकर की। चलो कोई नहीं भाई, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है पहाड़ों में आ रखे, और भाई खाने को सिर्फ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स और मिठाई और बिस्किट हमने ले रखे थे नीचे प्रकाश दा के यहाँ से, भाई 4-5 पैकेट बिस्किट रखे और वहीं पर छोड़ के आगे देख रहे हो, मतलब पता नहीं कौन सी परीक्षा हमारी चल रही है। और अभी भगवान के रूप में हमारे भाई राणा भाई जो यहाँ पर है वो आ जाते ना तो मज़ा आ जाता, क्योंकि बर्तन एक ये बर्तन जो ने रखे हैं ना यहाँ पर, ये संकेत दे रहा है कि भाई ये बंदा यहीं है, ये तो ऊपर जा रखा है, ये आएगा। और ये देखो हम लोग भाई ऑन कैमरा जो भी करेंगे ऑन कैमरा ही ताला तोड़ेंगे, पर ताला तोड़ेंगे नहीं यार, वैसे तो ताला है नहीं ना, ताला तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन बर्तनों ने भाई सबसे ज़्यादा जो हमारे दिमाग में शक पैदा कर रखा है इन बर्तनों ने, तो देखो ना इनने सब कपड़ों भी बना रखा ना। वैसे यार हमारे पास मैगी भी नहीं है साला, आग जला के हम मैगी बना सकते थे इनमें, कुछ भी नहीं है हमारे पास भाई। राणा जी को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि राणा जी भी कोई इन गुफाओं के अंदर हो। और वैसे मैंने चेक किया गया सब में ताला लगा है सब में, एक वहाँ पर जो शेल्टर था बनाया उसमें देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या पता एक विश्राम ग्रह टाइप का बन रखा है कि कभी कोई आए तो टेंट लगा ले इसलिए था वो। चलो देखते हैं, वरना आज की रात भाई फुरकिया में, और वो भी इतनी खतरनाक रात ना, मतलब समझ रहे हो, अगर पता क्या कमल भाई देखो, अगर तुम अगर मैं यहाँ प्रकाश भाई मिल जाए ना, राणा भाई मिल जाए, तो हम कमरे में सोएंगे तो ये मेमोरीज नहीं रहेगी। हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक मेमोरीज होगी जहाँ इतना अच्छा स्टे और हम बहंगे बाहर सो रखे हैं और लाइफ टाइम, समझ रहे हो? यस, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, लाइफ टाइम मेमोरीज ही बन सकती है हमारी एक क्या होता है। ये लग रहा है ये खुला होगा, ये खुला है, देखो देखो देखो, पत्थर हटाओ, निकालो कुछ बिस्किट, खुला है ना ये भाई, इतना बड़ा ताला नहीं तोड़ सकते यहाँ। अबे मिल गया, वो देखो, चलो। हाँ? अरे खाली कुंडा लगा है, चलो ये वो कहते हैं ना ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, हमें तो सिर्फ इतने घरों में से एक घर ढूंढना है जो खुला हो है। चलो भाई इसमें ताला लगा है, इसमें देखते हैं, बोट है लग रहा है बकरियों का, देखो खोलो और भालू निकल रहा है। तो पहले कमल भाई को देखने देते हैं। अरे वाह, क्या हुआ? अरे वाह, तो गाइज मिल गया हमें आज का स्टे, बाबा जी की मिठाई खा लेंगे मस्त रह लेंगे, यहाँ तो ठंडा भी नहीं हो रहा है, वही तो हवा भी नहीं आ रही है। तो भाई एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन हमारा, 50 मीटर जाके लिया हमने पर बहुत अच्छा लिया, वो भी कमल भाई के, उससे कमल भाई को याद आया यार बाबा जी तो 4 बजे ही गुफा में चले जाते हैं। चलो कोई नहीं, ये हमें बहुत ही अच्छा स्टे मिल चुका है। चलो अब क्या है, आज का हम फास्ट रख लेंगे, मस्त यहाँ बैठने का भी है। चलो अभी देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है राणा भाई मिल जाए, राणा भाई आएंगे, राणा भाई को आना पड़ेगा। सो गाइज इन लोग के आने के चांसेस अब 101% बढ़ने लग गए, क्योंकि यहाँ पर रखी है बैटरी, मुझे लग रहा है बाबा जी से मिलने जा रहे हैं लोग भी, आराम से बैठते हैं। और हमारा कमरा देखो गाइज खुला तो है ना, हमने तो करी ली अपनी व्यवस्था ये, वरना तो मैंने ये सोचा था भाई साहब यहाँ तो ठंडा बहुत होता, पर सही आ गए हम। तो गाइज
अपने बैठने का प्रबंध ढूंढ लिया हमने, तब तक मस्त बैठते हैं उनके आने तक। काश वो बिस्किट लाए होते, अभी तो बिस्किट में को अमृत लग रहे हैं। यहाँ लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं आग जलाने के लिए, वहाँ पर तो मस्त आग जलाने का भी है। यहाँ पर लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे, देखो कैसे इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, बट हमें तो खजाना ही मिल गया। तो गाइज हम लोग आज लेके आ चुके भाई लकड़ियाँ, अब जाके हम जलाएंगे आग। अच्छा हो कि भाई कमल भाई के पास सब कुछ है, ये देखो लाइटर। सो फाइनली गाइज जल चुकी है भाई आग। फाइनली गाइज राणा जी आ चुके हैं भाई, रूम खुल चुका है अब। हो अब जाके आएगा मजा। इससे पहले भाई हमने आग आग जला दी, वही मजा आ रहा। तो गाइज ये रूम, चलो भाई ये बढ़िया हो गया। अब लाइट तो होगी नहीं, लाइट नहीं है ना। हाँ लाइट नहीं है, ये तो हमें पता ही है। तो गाइज लाइट तो है नहीं इधर, बस ये है कि अब खाना पीना सब मिल जाएगा, सबसे बेस्ट है। ये सही बात, एडवेंचर भी हो गया थोड़ा। ये चीज पता चल गई कि भाई अगर जब कुछ ना हो तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। तो अब कुछ पहले तो कुछ पेट पूजा करें, बहुत भूख लग रही है भाई। मिल जाए बढ़िया बस भैया। ओ भाई ऊपर देखो गाइस, बिल्कुल बादल ही बादल भाई पूरे उसमें। अगर आप लोग ऐसे ट्रैक कर रहे हो और आपको घबराना नहीं, पहले तो सबसे मेन है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं कि भाई यहाँ पर अब क्या होगा हमारे साथ। अगर मैं अकेला आया होता तब भी राणा भाई आ जाते, हम दोनों अकेले भी आए होते तो बस ये कि सबसे मेन है कि भाई घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ सोच, हाँ सोल्यूशन निकालना है। बिल्कुल जैसे हमने ढूंढा वैसी भाई, अगर हमारा ये रूम भी नहीं होता ना, हम तो यहाँ भी सो जाते। बट हारना नहीं है, ये नहीं सोचना कि भाई अब वापस चले जाएं, क्या करें क्या नहीं। ये बिल्कुल भाई, अगर ट्रैक कर, निडर होना बहुत ज़रूरी है, अगर जीना चाहते हो तो खुल के जियो। सो गाइस भाई के ढाबे में आ चुके हैं हम लोग, तो अभी भाई के यहाँ मैगी बन रही है, बिस्किट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मैगी खाएंगे और मस्त यहाँ पर लेटने में जो आनंद आ रहा है ना, जो सुकून भाई साहब, मस्त मज़ा आ रहा है ना। अरे यकीन मानो हम ही समझ सकते हैं, हम ही समझ सकते हैं, ये आप फील नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि आप तो मस्त घर के अंदर खाना मिल रहा है, रजाई के अंदर हो, मजा आ रहा है। बट जो यहाँ पर अभी जो हवा चल रही है बाहर भाई, बाहर जा नहीं सकते, खतरनाक हवा चल रही है और पानी बहुत ठंडा है, और जहां से भी हम आ रहे हैं तो ये हमारे लिए तो भाई स्वर्ग है स्वर्ग। क्योंकि वहां चौक मोड़ के बैठना पड़ रहा था और आग सेकना पड़ रहा था, बट बहुत मस्त। अभी यहाँ पर मैगी खाएंगे, फिर दाल चावल, फिर मस्त सोएंगे और कल सुबह हम यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे ट्रैक पे। तो गाइस हमारी मैगी बन रही है, और सबसे मेन चीज जो मुझे अभी पता चल रही है वो भाई है ट्रैक ऑफ द ईयर, पिंडारी ग्लेशियर जो है ट्रैक ऑफ द ईयर है। और जिस जहाँ पर हमने आग जलाई थी ना भाई, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तब की प्रॉपर्टी में भाई हमने आग जला रखी है, सोचो। और मतलब तब से ट्रैकिंग हो रहा है, मतलब बहुत टाइम पहले से भाई ये ट्रैक है पिंडारी ग्लेशियर, ये भाई ने बताया मुझे। सही यार, कुछ कुछ चीजें भाई ना वहां जाके पता चलती है, वही हमारे साथ भी हो रहा है। तो ये देखो भाई मैगी में आ गया उबाल, अब भैया में है बबाल। फाइनली गाइज हमारा भाई डिनर बन चुका है, तो बन चुका है ये, और हम तो भाई सेट। ये तो भाई खाने में आज क्या क्या बन रहा है खाने में, दाल और ये सब्जी बताओ यार कहाँ से लेके आए हो, पिंडारी की सब्जी, पिंडारी की सब्जी गाइस ये देखो, आलू पालक की पिंडारी की सब्जी खा रहे हम लोग। और यहाँ पर इतनी सारी बातें कर ली हमने भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पर, बहुत ज्यादा बताऊंगा। मस्त खाना भी आ चुका है, बिल्कुल बहुत जरूरी है भाई, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत जरूरी है यहाँ तो, बहुत जरूरी है। ये दो पीते नहीं है, पीछे पुराने, ये देखो भाई ये तो भाई रूम पे आ चुके हैं। तो ये हमारा आज का स्टे, तो भाई यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है, तो भाई नेटवर्क भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग आ रहे तो अपना पावर बैंक वगैरह लेके आना। तो गाइज आज की इस वीडियो का यहीं पे करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम लोग यहाँ से जाएंगे गाइज 8 किलोमीटर, यहाँ से 8 किलोमीटर बचा है 0 पॉइंट पिंडारी ग्लेशियर, और वहाँ पर बाबा जी भी है, तो वहाँ चलते हैं कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।